पेपर कोड ETCS-413। यूनिट वन है इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउसिंग, और इसमें ओवरव्यू, डिफरेंस बिटवीन डेटा सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस, और फिर कंपेलिंग नीड फॉर डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउस बिल्डिंग ब्लॉक्स, डिफाइनिंग फीचर्स, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट्स, ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स और थ्री टायर आर्किटेक्चर। फिर आता है मेटा डेटा इन डेटा वेयर हाउस, ये था इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउसिंग। फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग में डेटा की क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ETL प्रोसेस, ETL टूल और डिफाइनिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो डायमेंशनल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन पैकेज एक नया कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, स्कोप एंड कंटेंट। यूनिट टू, प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू डेटा डिज़ाइन, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, स्कीम स्टार स्कीम, स्नोफ्लेक स्कीम, फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीम, स्कीमा और OLAP इन डेटा वेयर हाउस। OLAP के बारे में क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे। डिमांड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, लिमिटेशन ऑफ अदर एनालिसिस मेथड, OLAP इज द आंसर। डेफिनेशन और रूल्स, कैरेक्टरिस्टिक, मेजर फीचर फंक्शन, हाइपर क्यूब्स। OLAP के ऑपरेशंस में ड्रिल डाउन एंड रोल अप, स्लाइड एंड डाइस, पायवेट और रोटेट, मॉडल्स, ओवरव्यू वेरिएशंस, MOLAP मॉडल, ROLAP मॉडल, DOLAP मॉडल, ROLAP वर्सेस MOLAP, OLAP, इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशन, क्वेरी एंड रिपोर्टिंग, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स EIS, डेटा वेयर हाउस एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। ये है यूनिट टू। यूनिट थ्री में डेटा माइनिंग बेसिक्स, डेटा माइनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस, KDD प्रोसेस, डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा माइनिंग फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, डेटा माइनिंग एज अ रिसर्च टूल, डेटा माइनिंग फॉर मार्केटिंग, बेनिफिट्स क्या हैं, मेजर डेटा माइनिंग टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, इशू रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री के बेस पे, KNN एल्गोरिदम। यूनिट फोर आती है क्लस्टर डिटेक्शन, के मीन्स एल्गोरिदम, आउटलायर एनालिसिस, मेमोरी बेस्ड रीजनिंग, लिंक एनालिसिस, माइनिंग एसोसिएशन रूल्स इन लार्ज डेटाबेस, एसोसिएशन रूल माइनिंग, जेनेटिक एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क, डेटा माइनिंग मॉडल। बुक पॉल राज पुनिया, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग जॉन विले की, या डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स कैम्बर एंड हैन की, ठीक है, रेफरेंस देख सकते हो। और ये मैंने क्यों बोला जब लिखा ही हुआ था, तो क्योंकि अगर तुम यूनिट वन यूनिट टू की बात करोगे तो इसमें जब पढ़ोगे कि डेफिनेशन क्या है या जो जो चीज़ें किस तरह से बन रही हैं, तो क्वेश्चंस के डिज़ाइन भी तुम्हें समझ में आएंगे। जैसे सेकंड में तो OLAP के तुमने देखा कि चलो डिफरेंसेस आ सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, ये पायवेट स्लाइड डाइस ये सब क्या होता है ये आ सकता है। वैसे यूनिट वन में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और डायमेंशनल एनालिसिस, क्लीनिंग, वेयर हाउस, कंपोनेंट्स, थ्री टायर आर्किटेक्चर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिलेबस पढ़ने से क्वेश्चन समझ में आते हैं कि क्या बन सकते हैं। यूनिट थ्री और फोर में भी ऐसे KNN एल्गोरिदम, KDD प्रोसेस, माइनिंग एप्लीकेशन है ना, माइनिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट या डिसीजन ट्री इंडक्शन क्या होता है ये सब, प्रिडिक्शन, इशू रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। फिर यूनिट फोर में के मीन पूछ लेंगे, क्लस्टर डिटेक्शन पूछ लेंगे, जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क, माइनिंग क्या होता है, मेमोरी बेस्ड रीजनिंग, ये टॉपिक्स बन जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं।